हैं तो हमेशा गंदी बात करी, जैसा मुंह वैसी बात। वाकई बंद हो है ये आंखें, लाइट चल रही है ना, मेरे दूर से थोड़ी बोला था क्या है क्या नहीं। ताला लगा भाई, ताला लगा भाई, लो कहां ताला खुला है यार, खुला है खुला है अरगान, खुला है यार। मुंह को ताला लगा लो, जब मारा दोनों का मुंह भी अच्छा नहीं, बात भी नहीं करते। मैंने नीचे से चाकू उठाया, ये चाकू उठाया, जो बोलेगा ना ये देख। इमरान कर लिया, अब क्या कर रहा है, खटकाओ यार, अंदर ही होंगे, खटका लो। अच्छा मेरे पास इलाज है यार, रुको रुको, अभी इसको तोड़ने की जगह, वैसे आपस की बात है, ये टूट गया तो हमें क्या पता गाड़ी अंदर है कि नहीं। अंदर और कहाँ जानी है गाड़ी, ट्राई मारे, हाथ बचा, हाथ बचाई, मुंह ले आ गया अपना यार, मेरे मुंह क्या लाने की, तोड़ने वाली चीज फिर वही है, सबसे गरीब तोड़ने वाली चीज वही है। साहब खोलो, इतनी देर से आए, रुको अरगान, रुक छोड़ दे, हाथ बचा, हाथ बचा, इसको इस पे मारो जोर, और रुक जा, हाथ बचा, कट जाएगा प्रो और टी आर डी, मतलब आसिफ भाई गए नहीं, इधर ही है, सरप्राइज दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, आपने जान निकाल दिया एक दफा हमारी। सर ये दरवाजा खुला हुआ है, आप यहाँ से भी आ सकते थे यार, हम लोग ताला तोड़ तो मैं कहा था ताला सिर्फ मुंह पे लगा के रखा करो, इसने शोर डाला के चले गए हैं, इन्हें कहा, इसने कहा चले गए हैं, तुम लेट आए हो और ये वो। अच्छा वीडियो गवाह है, मैंने कहा कि ताला मत तोड़ो, अच्छा अंदर आ जाओ, क्या तोड़ कैसे आ जाओ, लेकिन वापस पहुंचे घूम रहे थे हम लोग, जरा चेक करें कि पीछे अपडेट आ रही थी, आज फाइनल 20 डे के भजन पूरा हो गया कि नहीं। सर बिल्कुल जी, 20 डेज आज पूरे हो गए, गाड़ी भी पूरी है, ये गाड़ी आपके सामने है माशाल्लाह। तो गाड़ी का भी हम कोशिश ये करते हैं कि एक कंप्लीट वीडियो लोगों को दिखाते हैं जिन लोगों ने पहले नहीं देखी, एक कंप्लीट वॉक अराउंड देते हैं गाड़ी का कि गाड़ी में क्या क्या काम हुए, कहां से हमने स्टार्ट किया और फिर इसको यहां से आगे लेके चलते। आज की वीडियो अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखा तो हम अपने टिकटॉक के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज बताते आए हैं, इट्स अ 20 डे टैकोमा चैलेंज, आसिफ भाई ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है, और जैसे कहते हैं ना हम डूब रहे थे, उन्होंने हमें बाहर खींच के निकाला है, आपको बताता हूँ सारी स्टोरी है क्या। सो दिस वॉज अ सेकंड जनरेशन टैकोमा जो कि पिछले साल पेशावर से मैं लेके आया था, और काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे कि इसको कन्वर्ट करना है, रैली में लेके आना है, लास्ट एक दो रैली बगैर गाड़ियों के जब की और वहाँ पर जलील हुए, धक्के खाए तो थोड़ी शर्म आई कि कोई गाड़ी तैयार करते हैं, बट सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि दुनिया में कहीं भी ये जो कन्वर्जन प्रोजेक्ट है देखें, जहां से होमवर्क करते थे देखते थे, तो 2-2.5 साल का टाइम चाहिए होता था, जो कि मेरा ख्याल से 2-2.5 साल का सोचना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। तो उस साथ आसिफ भाई जो है हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनकी अपनी इन्होंने वर्कशॉप बनाई हुई है जहां पे अपने काम करते हैं, पूरी इन्होंने टीम डेवलप की हुई, और आसिफ भाई का जो एक टैकोमा है ना वो लास्ट रैली के अंदर 15-20 दिन में तैयार किया था, तो वहां से मैंने आसिफ भाई को थोड़ा सा पकड़ा, और जो कहते ना हमने उनको, उन्होंने हाथ पकड़ाया, हमने पूरी को खींच ली और हमने डिसाइड ये किया, और आसिफ भाई वो काइंड इनफ, उन्होंने कहा जी आप हमारी वर्कशॉप को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, पूरी स्टाफ हमारे उस पर रखा, और 20 दिन के अंदर ये गाड़ी सेकंड जेन टैकोमा से थर्ड जेन टैकोमा में कन्वर्ट हुई। दुनिया में हम देखते हैं 2-2.5 साल से नीचे कहीं नहीं है, आपने ये 4 स्टेजेस 20 दिन में कोई मैराथन शुरू की थी या जो आपने पहले वाला भी किया हुआ था कैसे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली जिस दिन आपने पहले दिन मुझे कहा ना तो मैंने पता क्या पंगा लिया था, मैं कहा देख लेते हैं, सारे कहते हैं इन्होंने कौन सा हो जाना है, ठीक है। और उस लिहाज से अगर टाइमिंग देखें ना, तो जब आज हम ये वापस पहुंचे, मैं और अरगान दुबई से हम लैंड किए और हम आए, तो हमने देखा कि मतलब आज 20 दिन चैलेंज आए, कल शुरू हो रही है दल मक्सी, और मेरे लिहाज में मजाक के अलावा आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने कहा सिर्फ चलो कुछ नहीं, काम शुरू तो होगा ना, मैं तो उस जैसे में आया था। तो ये आपने 20 दिन में कैसे ये किया, और मतलब ये तो दुनिया के लिए मेरे ख्याल से एक चैलेंज टू ब्रेक होगा, इसको कोई सुनील भाई ना, सिर्फ इन 20 डेज में हमने ये गाड़ी प्रिपेयर की, मैंने अपनी गाड़ी भी रेस रेडी की। हाँ जी वो खराब हुई थी जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ जियान थूत उनकी भी गाड़ी यहाँ पे थी, वो भी पूरी रिवैम्प हुई थल के बाद अभी आगे झल के लिए। और मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक का करम है, एक बरकत है, और जो मेरी टीम है वो बहुत ज़्यादा सिंसेयर, बहुत ज़्यादा आप कह लें लॉयल, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है सारे, तो ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग, मतलब मैं ये करूँ 100 बंदों की टीम है? नहीं नहीं नहीं, हार्डली 15 लोगों की टीम है जी, 15। देन फिर आप रजा सही साहब की तरह मेरे ख्याल है, हाँ वो नजर आ रहा है सामने बोर्ड, आप लोग बड़ा डिटेल चलते हैं, जब पहले बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड,
हर चीज जितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्वड हैं सही है। हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि जब चार्ट बना ले अलग-अलग कौन से पैरेलल में चलेंगे, अगर फैब्रिकेशन पे काम हो रहा है तो साइमल्टेनियसली जो बॉडी उतरी हुई है उस पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा होगा। वैसे आप लोगों को अपनी साथ स्क्रीन पे दिखा भी देते हैं कि इस गाड़ी को बेसिकली ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से हम कहते हैं ना मैं अगर गाड़ी स्टोर करता हूं मैं गाड़ी कहता हूं दो दिन में करनी जल्दी से रैप करो और मुका दो, ऐसा नहीं है। इस गाड़ी को पूरी बिल्कुल से कहते हैं बेयर मिनिमम पे ले जाके इसकी बॉडी लैदा करके इसका फ्रेम अप सस्पेंशन हमने लादा फ्रेम किया फ्रेम बेल्ट है जी ठीक है सस्पेंशन लादा किया था, फिर हमने सस्पेंशन को स्ट्रेंथन किया वो साथ साथ भी रोड में आ रहा होगा। फ्रेम को हमने स्ट्रेंथन किए सही है। और जो यूएस के जो इसके आफ्टर मार्केट लॉन्ग ट्रेवल शॉक्स पर आते हैं पूरी सस्पेंशन फ्रंट एंड रेयर वो इंस्टॉल किए, उसके लिए भी काफी फेब्रिकेशन रिक्वायर्ड होती है, सही है वो सारी हुई है। उसके बाद गाड़ी की बॉडी इसके ऊपर रख के इसका इंजन ट्रांसमिशन जो कि इसके अंदर स्टॉक तो 4,000 और इसकी बॉडी के अंदर स्पेस क्रिएट की जाती है ठीक है। और क्योंकि वो काफी बड़ा इंजन है और इसके इंजन बे में फायर वॉल काट के तो इसके इंजन रूम को अब सारा क्लियर किया जाता है। तो ऐसे लग रहा है कि शायद इसके अंदर ऐसे आया था लेकिन जब आया था तो ऑब्वियसली इसका अपना इंजन का साइज भी फर्क था, उसके फाउंडेशन भी फर्क थे, तो वो जहाँ पे इसके बेसिकली इंजन जहाँ पे बैठता है इंजन का उसको माउंटिंग बोलते हैं वो भी आपने रिफर्बिश किया सारे ना जो सही इसका जी ये स्वैप का तरीका कार है कि यू बाय अ टंड्रा सही इन दुबई और इन यूएस, उसमें से उसके सारे उसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स आप निकालें और उनको इम्पोर्ट कर लें। और स्पेसिफिकली ये वाला सेटअप दुबई में हमारे दोस्त अहमद रज़ा उन्होंने हमें अपने गैराज पे से सोर्स करके दिया है। उसके साथ साथ आपका जो इंजन माउंट्स है ऑफ कोर्स जब आप इस वो आपने इस पर रेस करनी है सही है तो इसने बहुत ज़्यादा बीटिंग लेनी है तो द माउंट्स नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड। जैसे आप बिल्डिंग के कहते हैं ना उसकी अगर बुनियाद सही नहीं होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये सड़क पे चलने वाला प्रोजेक्ट नहीं है कि आपने रैप किया और इंजन रखा और चल पड़ा जी बिल्कुल। तो फाउंडेशन जो है वो सबसे जरूरी थे तो मेरे ख्याल से अभी अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो काफी लोग यही डाल रहे हैं सबसे आजमाया वही सेटअप है जी मोस्ट कम्पेटिटिव सेटअप है ये इस टाइम ठीक है। अच्छा अब अगर हम आसिफ भाई इसके इस पे आ जाते हैं सस्पेंशन की तरफ, सबसे पहले व्हील्स के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ व्हील्स को हमारे यहाँ पे ना लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम लोग स्टिकर स्टुकर बी एफ गुडरेज और ये वो लगा लेते हैं मेथड और फिर चाइनीज व्हील डालते हैं एक तो रैली में मेरे ख्याल से वो तो एक अपने साथ ही जाती है। जी जो देर आर फ्यू कंपनीज लाइक इवो कोर्स मेथड या केएमसी सर एंड ये इनका जो बेसिक चीज है जी जो इनके अंदर मटेरियल यूज होता है दैट्स वेरी हाई ग्रेड एल्यूमिनियम ठीक है जो डी शेप नहीं होता है इतने आराम से। और उसके साथ साथ जो ये स्पेसिफिक मॉडल है इसको बीड लॉक के ठीक है। सो बेसिकली इसमें हमने ये चारों बीएफ गुडरिच के टायर मेथड के बीड लॉक व्हील्स ये भी नए लग गए बल्कि इससे ज्यादा हमने ख्याल है पांच तक पीछे वाला भी आएगा जी बिल्कुल जी वो। अच्छा एक चीज ये बता दें हमारे यूजर के लिए एक टर्म यूज होती है लॉन्ग ट्रैवल, फिर अगेन हम रैली वालों को तो पता है आम बंदे के लिए लॉन्ग ट्रैवल और नॉर्मल शॉक में क्या फर्क है और उसकी जरूरत क्या है। बेसिकली जो व्हील बेस जो बढ़ाने का मकसद है वो ये है कि आप इसके अंदर लॉन्ग ट्रैवल शॉक्स लगा सकते ठीक है। और उनकी जो आम शॉक की जो शाफ्ट है वो 6 इंच है तो इस शॉक की जो शाफ्ट है वो 10 इंच है ठीक है। और इसमें हमने जो शॉक लगाए हैं डबल बायपास है ट्रिपल है ये ट्रिपल बायपास शॉक्स हैं जी। और ये फॉक्स के इसके साथ जो इसका सस्पेंशन वो सेटअप है जी वो डर्ट किंक है सही है और कैम्बर के स्पिंडल्स इसमें डले सही है। इसके अंदर हमने वेट रिडक्शन के लिए इसके अंदर कहा कौन सी चीजें फाइबर की लगाई है फेंडर इसके फेंडर्स फाइबर के हैं जी Bonnet? इसका बोनट फाइबर के है सही। और इसके जो पिछले बेड साइड्स हैं वो फाइबर के हैं। तो इसका मतलब ये कैसे भाई इस गाड़ी के अंदर छत और चार दरवाजों के अलावा बाकी सब कुछ फाइबर का जी बिल्कुल वेट रिडक्शन के लिए जी बिल्कुल। अच्छा लेकिन उसके साथ लोगों का एक सवाल ही होता है कि रिलायबिलिटी तो चले हमने स्पीड भी ले ली सस्पेंशन भी लिया है टायर भी अच्छे लेके आगे, सेफ्टी का एक जो कंसर्न होता है कि खुदा ना खासा अगर उलट जाए तो फाइबर जो है वो उसकी तो स्ट्रेंथ वो नहीं है। सेफ्टी कंसर्न तो जी सबसे पहले है किसी भी स्पोर्ट में और खासतौर पर ये जो मोटर स्पोर्ट है ये इंटरनेशनली भी सेफ्टी पे बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान होता है सही है। और इसके 3-4 फीचर्स होते हैं जो जो पाकिस्तान में भी अश्योर किए जाते हैं कि कोई भी गाड़ी पार्टिसिपेट करे किसी भी इवेंट में तो स्टॉक में भी मेरा ख्याल रोल की जरूरी है करें बट ओवर इयर्स आई हैव लर्नड कि जो आपके रोल के जाना ये आपको बचाती है आपकी जिंदगी की उस लिहाज से एक श्योरिटी है जमानत है। वैसे तो जिंदगी अल्लाह मियां ने जिस दिन तक रखी है उस दिन तक है लेकिन फिर भी अल्लाह मियां ने भी ये कहा है कि अपने असबाब जो है पूरे करें। सो इसके जो रोल किए जाए आसिफ भाई ये थ्रू एंड थ्रू रोल किए जाए कि ये रोल के जी अभी ए प्रिपेयर्ड कैटेगरी और बी प्रो कैटेगरी के लिए वेल्डेड रोल के जो है वो कंपलसरी हो गया ठीक है। इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है सही है। और ये ना सिर्फ बॉडी के साथ वेल्डेड है
ये नीचे चेसी के साथ भी वेल्डेड है कि खुदा ना खासा किसी भी वर्स्ट कंडीशन में ये, क्योंकि अमूमन ये होता है कि यार इसकी जो इसकी चादर होती है बॉडी की वो बहुत हल्की होती है, सही है। तो अगर उसके ऊपर है तो अगर गाड़ी रोल ओवर हो तो वो चादर फट के तो वो बॉडी के साथ ये था कि पहले हम देखते थे हम यहाँ पे लाके यूं खत्म कर देते थे। इसकी जो लोड बेयरिंग है 6 पॉइंट्स पे, सही है, ये चेसी के साथ वेल्डेड है, ठीक है। तो ये आप कह लें कि हाईएस्ट स्पेक जो इस टाइम जो मार्केट में सबसे ज्यादा मैंने अगर देखा जाए तो सेफ्टी वाइज सबसे बेहतरीन। जी बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। अच्छा आदि भाई ये बता दें लोगों को कि बैटरी ना डिगी में है ना आगे, इधर क्यों रखी हुई? जिसके दो रीजंस हैं, सही है। एक तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में इंजन हीट और वो सारी चीजों से बचने के लिए, और आगे आपके इंजन बे में किसी किस्म की कोई शॉर्ट सर्किटिंग या उसके लिए सेफ्टी के लिहाज से, और कट ऑफ स्विच भी इधर है, और जी कट ऑफ स्विच भी अंदर है। एंड सेकेंडली जो आपका आगे इंजन बे के अंदर जहाँ पे ये प्लेस होती है, बैटरी का अच्छा खासा वेट होता है, और एक्सट्रीम ड्राइविंग के दौरान ट्रैक में जब आपको खड्डे और जंप लग रहे होते हैं तो उसके अंदर आगे क्रैकिंग आ जाती है बॉडी में। तो मुझे पूछे मैंने लास्ट जो है ना 44 साल में कम से कम 15 मिनट इस बैटरी की वजह से जाए किए हैं, वो दिल्ली देसी फिर मैं मान भाई से कहता था टाइट करें। अच्छा जी पीछे आ जाए तो आसिफ भाई पीछे पाए जो ये भी अगेन फेंडर जिसके जो है हमने फाइबर के डाले, लाइट्स जो है थर्ड जेन की डल गई, ये इसका एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील आ गया। इसका जो ये भी लोगों को बताने की जरूरत है, एक तो स्पेयर व्हील का काम स्पेयर व्हील भी है और दूसरा ये वेट बैलेंस काउंटर वेट है। ऐसे ही है काउंटर वेट फॉर द रियर सस्पेंशन एंड फॉर हैंडलिंग, सही है। और इसके अंदर आप के जो व्हील का एंगल है, इसकी प्लेसमेंट आगे या पीछे या एक या दो व्हील्स, ये सारी ये जो वेरिएबल्स हैं ये अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से वो लोग इसको एडजस्ट करते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की हैंडलिंग पे फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा वैसे आपस की बात है, जो आपने इसके ऊपर ये लाइब्रेरी लगाई है ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। जो प्रोजेक्ट का नाम जो है लोन वुल्फ, हमने यहाँ पे आ गए जी, फेडरल गैरेज के बगैर ये हो नहीं सकता था, पार्क व्हील्स की ये गाड़ी है। तो ये गाड़ी की खूबसूरती तो माशाल्लाह अब देखने में पूरी है, अब इसकी हम टेस्ट ड्राइव भी करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी दिखाएंगे। एक कॉस्ट की अक्सर लोग आसिफ भाई बात कर रहे थे, तो मैं बड़ा क्लियर बता दूं, अक्सर लोगों का सवाल आता है डक्की भाई गड्डी बेच के जो पैसे अंदर की थे वो किधर गए, वो इधर लगे हैं। सो इसकी कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में भी कह रहा था, आप भी बता दीजिएगा जहाँ पे मैं गलत हूँ। मेरा ख्याल है सस्पेंशन जो है तकरीबन उस पर हमारा लगा है कम से कम 60-70 लाख रुपए, जो फ्रंट सस्पेंशन का था, फ्रंट रियर, हाँ जी फ्रंट रियर सस्पेंशन, इसके शॉक सारे, व्हील्स वर अनदर 12-15 लाख रुपए, व्हील टायर जो रिम और टायर थे, उसके अलावा इंजन सेटअप जो टुंड्रा का था जिसमें इसकी वायरिंग उसका सारा कुछ शामिल है, पूरा मीटर भी हमने बल्कि टुंड्रा का लगाया, वो बल्कि हम दिखाते हैं, मीटर भी टुंड्रा का ही चल रहा है, ट्रांसमिशन इंजन गियर वो भी लाना तकरीबन कम से कम 5-6 मिलियन वो आ गया। तो ओवरऑल अगर ये प्रोजेक्ट अगर गाड़ी की कॉस्ट भी डाल लें तो वो हमने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जो बगैर आवाज की थी वो बेच के ये एक मॉन्स्टर तैयार किया है जो कि एक लेकिन आई गेस इसकी थ्रिल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। अरे आसिफ भाई आई विल लाइक टू रीइटरेट, मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि शायद ही लोगों को लग रहा हो कि शायद रेपिटेशन है, बट इट्स नथिंग विच इज़ पॉसिबल। मेरा नहीं ख्याल अगर ये प्रोजेक्ट अगर कोई देखे और इसको किसी को कहा जाए कि रिवर्स इंजीनियर करो जो कि फेडरल गैरी से बाहर करने की कोशिश करेगा, तो मतलब कहते हैं ना कि कॉपी भी करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि साल से पहले होगा सर। तो ये मैं आपको बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूँगा, और ये अगेन पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से बड़ी फख्र की बात है कि दुनिया में जहाँ हर किस्म का जो सारे पार्ट दुनिया से इकट्ठे किए हैं, जहाँ ये पार्ट मिलते हैं, जहाँ अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे लोग इस प्रोजेक्ट को 2.5-2.5 साल लगाते हैं। दिस मैन, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट भी मौजूद है, वो आपके सामने है, जो थोड़ा बहुत हमें आता है हम तो वो करते हैं, लेकिन जो असल टैलेंट है वो ये जो कि कैमरे से पीछे है, आसिफ भाई की टीम, हैट्स ऑफ टू देम, बिल्कुल। क्योंकि आप तो सिर्फ एक आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको फॉर्मुलेट उन्होंने करना है, एंड दे हैव वर्क्ड सो हार्ड एंड विदाउट अ फ्रोन, उनके किसी बंदे के माथे पे शिकन नहीं आया, माशाल्लाह जो प्रोजेक्ट बना है ना सर, इसको देख के 4-4 बजे तक वो लोग लगे रहे, काम करते रहे, एंड मैं कहूंगा कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है मेरी टीम है। नहीं नहीं बिल्कुल, टीम वर्क के बगैर काम नहीं होता, और बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी बनी है, और बल्कि अपने कॉमेंट सेक्शन में भी आप लोग भी बताइएगा कि आपको प्रोजेक्ट जो है कन्वर्जन सेकेंड जेन ट्रकोमा से थर्ड जेन में आने के बाद उसकी पूरी जो कन्वर्जन है वो कैसी लगी, और अटेंशन टू डिटेल जो कि मैं अभी देख रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन है। तो आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह ताला अब आपसे जलमक्सी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, थैंक यू, विश यू लक जी, थैंक यू।